अगर मैं आपसे पूछूं इस समय पे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कौन सा है, तो वो ये है। और मैं आपको ये कहूं कि ये इंडिया की हालत नहीं पूरे दुनिया की है, तो और इससे भी बड़ा झटका देते हुए मैं आपको ये बोलूं कि ये तो है कम्प्लीटली नॉर्मल, इनफैक्ट ये अपनी डीएनए के अंदर में जेनेटिकली अपने अंदर है। तो तू थोड़ा सा बहन का क्या? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भूतों से लेके भगवान तक पूरी दुनिया के अंदर में इंसेक्ट आखिरकार इतना कॉमन क्यों है, और अगर आप भी इससे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो तो किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो आज की कहानी के अंदर मैं काफी सारी छोटी छोटी कहानियां और हैं, लेकिन उससे पहले अपन सबको एक ही पेज पे आने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर कैसे ये समझ में आएगा कुछ भी। तो इंसेस्ट आखिरकार ये किस चिड़िया का नाम है? गैर कानूनी संभोगिक संबंध अपने ही घर में या फिर खून के रिश्ते के अंदर में करने को कहते हैं इंसेस्ट। भाई बहन, चाचा भतीजे, बाप बेटे, किसी के बीच में भी समझ गए होगे अब तक तो। और आखिरकार ये गलत है तो है क्यों, ये आगे वीडियो में बताऊंगा, और इंडिया वाली कहानी के लिए वेट करना बहुत ही ज्यादा एपिक है। तो जब अपन सब सेफ पेज पे आ चुके हैं तो अपन शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली कहानी के साथ, एडम और ईव। तो सबसे पहले एक गॉड होते हैं, वो एक गार्डन बनाते हैं। गार्डन में वो छोटी से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े पत्थर तक में वो सब कुछ बनाते हैं, खाना पीना, कुत्ते बिल्ली, पेड़ पौधे, सब कुछ वो बनाते हैं। अब उनको अपने गार्डन के लिए एक वॉचमैन चाहिए होता है, तो वो मिट्टी में से एक इंसान बनाते हैं, उसका नाम रखा जाता है एडम। एडम को एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको इस गार्डन का ध्यान रखना है, और बस उसको एक रूल दिया जाता है, ब्रो एक्चुअली उधर मत जाना, वो ना वहाँ पे क्या एक पेड़ है वहाँ पे, उस पेड़ में से कोई फल मत खाना, बाकी तू यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ये पूरी जगह तेरी है, यहाँ पे सब कुछ है, सारे जानवर तेरे, सारे फल फ्रूट सब कुछ कर सकता है तू, तेरे को लड़की भी दे रहा हूँ मैं, बस उस पेड़ में से कुछ मत खाना, ओके ओके, वी आर ऑन द सेम पेज ना ब्रो, मतलब तू नहीं खाएगा ना, मेरी बात समझ रहा है ना? हाँ, ओके। कि गार्डन के बीचों बीच एक पेड़ है ट्री ऑफ नॉलेज, तो मैं उसका फल नहीं खाना है। एडम वहां रहता है, एक एक करके वो सारी चीजों के नाम रखना शुरू करता है, फिर वो ये करते करते बोर हो जाता है, आखिरकार वो कब तक झेलेगा, अकेले पंक्ति में तुम रह पा रहे थे लॉकडाउन में, नहीं ना। तो भगवान उसको एक लड़की देते है ईव, फिर वो साथ में रहते हैं, उनकी मस्त जिंदगी चल रही होती है, उनके पास में सब कुछ था खाने पीने रहने के लिए, बिल्कुल मजे की जिंदगी चल रही थी। फिर एक बार ईव के पास में एक सांप आता है, सांप आके उसको कहता है तेरे पास सब है, लेकिन तूने कभी सोचा है तू उस पेड़ में से क्यों कुछ नहीं खा सकती? नहीं, ऐसे ही नहीं खा सकती, भगवान तेरी फिरकी ले रहे थे, खाले खाले कुछ नहीं होगा, खाले खाले। ओके, कि ये जो पेड़ है ये भगवान ने क्यों मना करा है तुमको उसको खाने का, उसमें कोई दिक्कत टूट जाए खाओ। और ये पढ़ के मेरे दिमाग के अंदर आया Women. बस फिर क्या होना था, ईव वो खाती है, साथ में एडम को भी खिलाती है, ये वाली बात जैसे गॉड को पता चलती है, वो बोलते हैं अबे यार तुमको एक काम बोला था, अब बस एक काम बोला था कि पेड़ से दूर रहना और मत खाना, तुमसे वो भी नहीं हुआ गया, और उनको भेज दिया जाता है अर्थ पे, और वो बनते हैं अर्थ पे रहने वाले सबसे पहले महिला मर्द। अब बच्चों मुझको एक बात बताओ, एडम और ईव के तो बच्चे हो गए, लेकिन दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो आगे की जनरेशन कैसे आई? इंसेस्ट करके। अरे वाह, माइथोलॉजी के साथ कपड़े भी बदल गए। इसी के साथ आते हैं अपन अपनी दूसरी कहानी के पास में, ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे पहले होती है गाया, जो कि है बेसिकली तो अर्थ हो रही होती है बोर, तो वो एक बच्चे को जन्म देती है यूरेनस, जो कि होता है एक तरीके से। अब गाया अपने ही बेटे के साथ में प्यार में पड़ जाती है और पैदा करती है बहुत सारे बच्चों को। तुम समझ रहे हो ना कहानी कहाँ पे जा रही है। अब जो ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनमें से कुछ बच्चों की शक्ल बहुत ज्यादा खराब होती है, तो जो यूरेनस होता है उनको हेल के अंदर में जेल में बंद कर देता है। समझ रहे हो शक्ल खराब होने पे क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ में। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कुछ नहीं लेके आया, तुम्हें क्या लगता है स्पॉन्सर मिलेगा मुझे? तो गाया अपने बच्चों को जेल के अंदर बंद देख बहुत हो जाती है दुखी, तो वो अपने एक बच्चा जो नॉर्मल दिखने वाला था उसको बोलती है अपने डैडी को मारने के लिए। वो बच्चा अपने डैडी को मार देता है और बन जाता है डैडी किलर। फिर उसके पास गाया आती है और बोलती है कि मैंने तेरे को इसलिए बोला था अपने डैडी को मारने के लिए जिससे तू अपने भाई बहनों को हेल में से निकाल सके, लेकिन अब तो वो पड़ गया था बच्चा अपनी बहन के साथ प्यार में, वेरी रोमांटिक। लेकिन इस बच्चे को पता था कि मैंने अगर अपने बच्चे करे तो वो तो बन जाते हैं डैडी किलर जैसे मैं बन गया डैडी किलर। तो जैसे ही उसके बच्चे होते थे उसकी बहन से वो उनको खा जाता था। तो जब उसकी बहन का सिक्स्थ बच्चा होता है वो उससे बोलती है बहन वो मुझे अपना बच्चा खाना था, जो अपन इतनी मैं 5 खा चुका हूँ ना वैसे मुझे अपना छठा बच्चा खाना था, बहन दे देना, दे दे खाते है, हाँ 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 भाई ये ले अपना छठा बच्चा, ये जीता जागता बच्चा है, ये खा ले, थैंक यू बहन। तो वो उसे दे देती है पत्थर और वो बेवकूफ उस पत्थर को खा जाता है, उसको लगता है कि यही मेरा बेटा है, मतलब होता हुआ कुछ भी। उस बच्चे को कहीं और पाला पोसा जाता है और बस डैडी को मारने के लिए आता है फिर बेबी, और बेबी बन जाता है डैडी डैडी किलर। और इस बच्चे का नाम पूछो क्या होता है, इस बच्चे का नाम होता है ज़ूस। अगर आपको ना पता हो तो ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे बड़ा गॉड है जो वो ज़ूस ही है।
जैसे आपने यहाँ पे शिव जी है वैसे उनके यहाँ पे ज़ूस है। और आपने यहाँ तक ही देख लिया होगा कि इनकी आपस में फैमिली में कितना ज्यादा प्यार है, लेकिन ज़ूस इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ज़ूस इतना ज्यादा घर की भगवान होता है कि उसने ऑलमोस्ट अपनी फैमिली के अंदर में सबके साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कराई है। मैं वो बता नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो तो डिमोनेटाइज होने वाली है, तो वो करके एज रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए। इसी के साथ चलते हैं अपन अपनी तीसरी कहानी पे चेंज, और इसी के साथ आते हैं अपन अपनी तीसरी कहानी पे इजिप्शियन माइथोलॉजी। तो इजिप्शियन कल्चर के अंदर में हुआ करते थे फेरोस। फेरोस बेसिकली उन लोगों के राजा हुआ करते थे, लेकिन वो लोगों को गॉड माना करते थे। मतलब जैसे इंसान लोग कुछ लोगों को गॉड मान लेते हैं, वैसे ही वो लोग भी उन लोगों को गॉड माना करते थे, लेकिन वो होते इंसान ही थे। ठीक है, तो उन सभी फेरोस के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस होती थी इंसेस्ट की। अब वो क्यों होती थी? क्योंकि उन लोगों को अपने ब्लड को एक्चुअली प्योर रखना रहता था। उनको ऐसा लगता था कि वो जब तक अपने ब्लड लाइन को प्योर रख पाएंगे तब तक ही वो गॉड ऐसा ना गॉड बिच ऐसे 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 रह पाएंगे। तो वो अपने भाई बहनों में चाचा भतीजियों में शादी करा करते थे। इसका आखिरकार रिजल्ट क्या निकलता है? तूतलखामन। मैंने प्रोनाउंसिएशन फक्ड अप करा होगा बिल्कुल ही, लेकिन तूतलखामन था इन लोगों का लास्ट प्रिंस। अब इस लौंडे के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। सेंचुरीज की इनब्रीडिंग के चलते इसका बॉडी शेप कुछ इस तरीके का हो गया था। स्कल डिफॉर्म हो चुका था, पैर खराब हो चुके थे, हिप डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, जेनेटिकल पता नहीं कितनी बीमारियां थी और न जाने हजारों बीमारियां। अब मैं ये आपको कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने इसकी मम्मी को जब डिग अप करा, उसके अंदर में से इसके पूरा जो स्केलेटन था उससे पूरी इंफॉर्मेशन पता चल पाई है। इस बंदे के लिए मरना जिंदा रहने से आसान हो गया था। किस कारण से? इंसेस्ट के कारण से। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि आखिरकार इंसेस्ट गलत होता तो होता क्यों है। सोशल तरीके से हटा के कौन अपनी भाई बहन के साथ में रहना चाहता है, लेकिन उसके अलावा में गलत क्या है आखिरकार जेनेटिकली? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैं बायोलॉजी में नहीं घुसूंगा, क्रोमोसोम प्रोमोसोम ये डोमिनेंट रिसेसिव कुछ नहीं बता रहा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लो आपके पास में दो तरह के जीन्स हैं, एक काले रंग का जीन्स जो कि प्लेन है और एक नीले रंग का जीन्स जिसके अंदर में गड्ढे हैं, रग्ड है। जो ये गड्ढे हैं इनको अपन डिजीजेस मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इन काले और नीले जीन्स का एक ऑफस्प्रिंग बनाया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर में काला रंग आएगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग कलर है। तुम काले के अंदर में कोई भी रंग मिला दो वो काला हो जाता है, तो अपन इसको मान लेते हैं ये डोमिनेंट चीज। लेकिन अगर अपन ये दो नीले जीन्स लें और इनका एक ऑफस्प्रिंग बनाए तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ये डिजीज ऑफस्प्रिंग में जाने की। यही होता है जब एक इंसेस्ट रिलेशनशिप से बच्चा निकलता है। जो बीमारियां दो अलग अलग लोगों के अंदर में रिसेसिव हो सकती हैं, जो पास वाले रिलेटिव के अंदर में बहुत ज्यादा डोमिनेंट पड़ सकती है बच्चे के अंदर, और वो दिखता भी है अपन को हर जगह पे। इसीलिए ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर में प्रॉपरली बैंड है, इंडिया को छोड़ के। हाँ या नहीं? अगर आपको अभी तक में कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज नीचे जाके एक बार सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर देना। तुम्हारे लिए कुछ नहीं जाता लेकिन मेरे को उससे मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं इसे और वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इससे अपन आगे चलते हैं। फिर आते हैं अपन अपने प्यारे राज दुलारे हिंदुइज्म पे। ये वाली कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी है, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्म जी से। ब्रह्म जी को एक बेटी होती है शत्रुपा जी। जो शत्रुपा जी होती है वो होती है बहुत ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव। वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि उनके डैड ब्रह्म जी खुद उनसे प्यार पड़ जाते। अब ये देख शत्रुपा जी वहां से भागती हैं। वो जब लेफ्ट भागती हैं तो ब्रह्म जी का लेफ्ट से सिर निकल जाता है। जब वो राइट में भागती हैं उनका राइट से सिर निकल जाता है। जब उनके पीछे भागती हैं उनका पीछे से सिर निकल जाता है। तो वो डर के मारे चली आती हैं आसमान में, तो उनका सिर पे भी एक सिर निकल जाता है। ये देख के शिव जी को आता है बड़ा गुस्सा। वो आते हैं उनकी ऊपर वाली मुंडी काट देते हैं। एट द एंड ब्रह्म जी को रियलाइज होता है कि वो कितना परवर्टेड एक्ट कर रहे हैं, तो वो उनसे शादी कर लेते हैं अपनी बेटी से ही, और उनका नाम रखा हो बताओ क्या रखा जाता है? सरस्वती जी। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। फिर एक बार ब्रह्म जी को अर्थ पे आना होता है अर्थ को प्यूरिफाई करने के लिए। तो जब वो यज्ञ के लिए बैठते हैं तो पंडित उनको कहते हैं कि आपको यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। तो सरस्वती जी को बुलाया जाता है, लेकिन वो तो है विमेन, तो वो लेट हो रही होती है तैयार होने के लिए। विमेन। तो ब्रह्म जी उठते हैं, वहां से एक लोअर कास्ट की महिला जा रही होती है। वो उनके पास इंसान का रूप धारण करके जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी। वो एग्री कर जाती हैं। तो ब्रह्म जी का रूप लेके उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हें भी एक डिवाइन बीन बनाना पड़ेगा, तभी तो अपनी शादी हो सकती है। तो वो उस महिला को गाय का चारा बना देते हैं जिसको गाय खाती है और गोबर करती है, और फिर उस गोबर को वो कन्वर्ट कर देते हैं भगवान के अंदर में। बेसिकली उनका ये पूरा सिस्टम था रिचुअल टाइप का, और उन्होंने उनको वापस बना लिया, भगवान बना लिया। फिर वो बैठ जाते हैं यज्ञ करने के लिए। अब जब वो यज्ञ करने बैठते हैं तो वो महिला मंत्र बोलने लगती है। बताओ बताओ वो कौन सा मंत्र था? वो था गायत्री मंत्र, जो अपन सब अभी भी बहुत बोलते हैं स्कूल में, अपन को प्रेयर में बढ़ाया जाता था ये वाला। और उन देवी का नाम पड़ता है गायत्री, गाय प्लस स्त्री, गायत्री। वहां पहुंचती है उनकी असली मिसेस की, भाई मैं लेट क्या हो गई, तुमने तो नई शादी कर ली, और फिर वहां पे वो नाटक कर देती है। मेरे दिमाग में बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं लेकिन भगवान के ऊपर मैं चिपका नहीं सकता, वरना मेरे को मॉब लिंचिंग हो जाएगी, समझ रहे ना। पर ले दे के उनको एक श्राप दिया जाता है कि तुम्हारा खुद का क्रिएशन तुम्हें भूल जाएगा। ब्रह्म जी ने पूरी दुनिया को बनाया था और हम लोग उनको ही भूल जाएंगे। जैसे कि आप हम देखते
देखते हैं कि अब उनकी पूजा नहीं करते, कहीं भाई ब्रह्म जी की पूजा नहीं करी जाती। बेसिकली उनके साथ में स्पाइडरमैन वाला काम हो गया, एट दी एंड उनको चॉइस नहीं मिली थी कि वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, समझ रहे हो। जिन लोगों ने पिक्चर देखी वो समझ जाएंगे, बाकी आप सब देख लो जाके। बाइबल से लेके भगवान तक हर तरफ इंसेस्ट को एज अ नेसेसिटी बताया गया। जब लोगों के पास लोग ही रहेंगे प्रोक्रिएट करने के लिए तो वो एक दूसरे के साथ ही तो करेंगे, इसमें गलत तरीके से देखने वाली बात क्या है? समझता हूँ। तो अपन आते हैं थोड़ा रिलेटिवली नए टाइम में, 1600 में। 1600 में एक स्पेनिश रूलर था जो अपनी नीस से शादी करता है और उसके साथ में तीन बच्चे करता है। उनमें से दो बच्चे मारे जाते हैं, जो आखिरी बच्चा बचता है उसके मैं आ रहा हूं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूं। उसके चेहरे पर स्किन डिसीजेस थे, बहुत सारे घिनौने वाले। उसका जॉ जबड़ा डिसफिगर्ड था, उसके जो दांत थे ना इतने आगे को आ रखे थे कि बोल नहीं पाता था, ठीक से चबा नहीं पाता था खाने को। उसके पेट में बीमारियां थी, उसको बॉडी में बीमारियां थी, उसका एक टेस्टिकल अंडकोश था ही नहीं, काला था बिल्कुल, सड़ा हुआ। उसको बचपन से बहुत सारी बीमारियां हुई थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स। और इन भाई साहब का नाम क्या था? चार्ल्स द थर्ड। और ये कहानी इनकी नहीं, ब्रिटिशर्स को देख लो, अपने प्यारे ब्रिटिशर्स जो अपने साथ में इतनी सारी पार्टियां करके गए, उनके यहाँ पे भी ये वाली चीज करी जाती है। भाई बहनों के अंदर में, चाचा भतीजियों के अंदर में शादी कराई जाती है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इनको लगता है अपना ब्लड लाइन प्योर रखने के लिए इनको आपस में रहने की जरूरत है, अपने खून तक को शेयर नहीं कर सकते। ये नहीं अपनी काइंड में शादी कर ले, अपने खून भी अपना ही चंगे, नीली आंखें चंगे तो नीली आंखें चंगे, इसलिए तो अब एक इंडियन प्रेसिडेंट रख रखा है। अरे इनको छोड़ो, अपने कजन स्पीशीज को देख लो, नियंडरटल्स, ये भी थे। इनका भी एग्जिस्टेंस इसलिए खत्म हुआ क्योंकि ये आपस में बच्चे पैदा करने लगे हुए थे, जीन पूल कम पड़ गया, वो गए खत्म। बेसिकली अपन ने इंसानों से लेके भगवानों तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं छोड़ा है। अब मेरे को कोई गाली नहीं देगा, या फिर मेरे को संभल के गाली देना, या मुझे कोई गाली मत देना, मैंने सबको कवर करा है। एशिया वालों को नहीं करा है, उनके लिए इतना सारा मटेरियल है कि अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। हर जगह पे एक ही सेम चीज चल रही है, जो कि सबको पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी क्यों चल रही है? एक नो के कारण। हाँ जी, जहाँ पे ये नो वर्ड आ जाता है वहाँ पे इंसान के अंदर में आ जाती है उत्सुकता, जिज्ञासा। यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, इस गेट को मत खोलो, इस गेट को मत खोलो, उसके साथ मत जाओ, क्यों मत जाओ, किस लिए मत जाओ। जहाँ पे ये नो वर्ड आ जाता है वहाँ पे लोगों को अब तुम्हें ये कहेगा, ये तो मैं करके रहेगा। और इसका रिजल्ट आपको स्टैटिस्टिक्स में दिखता है, जो चीज मना कर रखी है सोसाइटी के नॉर्म्स में वो ये साइट्स पे दबा के चल रही है। लेकिन 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 इसके कारण आपको खुद को सेल्फ डीमोनाइज करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कितना बुरा आदमी हूँ, यार मैं कैसे गंदी गंदी चीजें सोचता हूँ। हाँ, आप गंदी चीजें तो सोच रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता ऐसा, लेकिन लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ, ये अपनी बायोलॉजी के अंदर में है, ये अंदर जेनेटिकली कोडेड है क्यूरियोसिटी के कारण में। क्यों? क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर में जेनेटिकली इसलिए डली हुई है क्योंकि कोई भी चीज को नया बनाने के लिए, इन्वेंट करने के लिए क्यूरियोसिटी की जरूरत होती है, जो कि पहले एक नो आता है उसके बाद में क्यूरियोसिटी आती है। इसलिए इसमें कोई बुरी चीज नहीं, अंटिल अनलेस उसको आप अपने अंदर तक रखते हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और बस तब तक के लिए आप बिल्कुल सही है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और आपको लगता है कि आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ में दोस्तों के सामने शो ऑफ कर सकते हैं, तो नीचे देखने वाले सब्सक्राइब बटन को जाके अपनी बहन समझ के राखी बांधें। क्या समझ रहे हो, गंदी सोच है यार, तुम लोग जाके राखी बांधो, सब्सक्राइब करो, और करना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी।